अरे मम्मी देखो कौन आ रही है। कौन? अरे देखो तो आपकी स्टूडेंट। अरे ये तो पूर्वी है, चल इसके पास चलते हैं। पूर्वी तू यहाँ? नमस्ते मैम, कैसी है आप? नमस्ते नमस्ते, हम लोग तो रिच है, तू बता तू इस महंगी सोसाइटी में क्या कर रही है? मतलब मैम मैं कुछ समझी नहीं। अरे गवार, मम्मी के कहने का मतलब है तू इतनी महंगी सोसाइटी में क्या कर रही है, तेरा क्या काम है यहाँ? मैं वो यहाँ। बस 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 मैं समझ गई, तू यहाँ साफ सफाई करने आती होगी। मैम आप एक टीचर हो के ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं ऐसा कैसे बोल रही हूँ? अरे तुझे शायद ध्यान नहीं है, मैं जब स्कूल पढ़ाती थी मैंने तुझसे कितनी बार कहा था बेटा मेरे घर पे आकर ट्यूशन ले ले, लेकिन नहीं, तुझे तो हमेशा लास्ट बेंचर ही बनना था। मैम मैं आना चाहती थी लेकिन आपकी ट्यूशन फीस इतनी ज्यादा थी और आपको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो पता ही थी ना। हाँ तो और बच्चे कैसे आते थे, वो भी करते ही थे ना मैनेज, तो तू भी कर लेती। मैम आप ना उन बच्चों को अपने ट्यूशन में आने के लिए फोर्स करती थी और जो बच्चे ना आपके ट्यूशन में नहीं आते थे आप उन्हें फेल कर देती थी, और आपने तो मुझे भी कई बार फेल करा है। हाँ करा है, मेरी मर्जी। देख तू जब भी लास्ट वेंचर थी और तू आज, आज क्या है, आज भी तू वही है लास्ट वेंचर। देख तू है ना मेरी बात मान ले, मैं तेरा अभी भी करियर सेट कर दूंगी। इसका हस्बैंड है ना यानी मेरा दामाद, वो देख बिल्डिंग है ना उसमें वो मैनेजर है। लेकिन तू क्या जानती होगी मैनेजर क्या होता है, गरीब लोग जो हो तुम लोग आखिर, गवार कहीं के। मैम बच्चे आपको आइडल मानते हैं और आप एक टीचर हो के ऐसे कैसे बोल सकती है? देखा मम्मी आपसे कैसे जबान लड़ा रही है, इसे ना आपने उसी टाइम स्कूल से निकाल देना चाहिए था, मुझसे बहुत कॉम्पिटिशन करती थी। मैं ना कोई कॉम्पिटिशन नहीं करती थी, मैं बहुत मन लगा के पढ़ती थी, लेकिन फिर भी ना आपकी मम्मी ने मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ज्यादा जबान नहीं चल रही तेरी, तेर से ना इस पूरी सोसाइटी की सफाई कराऊंगी ना जब पता चलेगा तुझे। क्या कह रही थी तू, मैं टीचर होके ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? शायद बेटा तुझे पता नहीं है टीचर की जॉब के लिए ना बहुत बड़ा डोनेशन दिया है मैंने, और इस जॉब में ना इतनी सैलरी नहीं है, इसलिए मुझे अपने घर में इतनी महंगी महंगी ट्यूशन रखनी पड़ रही थी ताकि मेरा पैसा रिकवर हो जाए। और वैसे भी तू तो सोचती होगी काश मैं भी इन लोगों की तरह इतनी अमीर होती, हम लोगों को ही देख ले। कोई नहीं तू चिंता मत कर, कल से है ना हमारे घर में आ जाना काम करने के लिए, थोड़े बहुत पैसे मैं तुझे दे दूंगी। अरे लो दामाद जी भी आ गए। अरे आ गए आप? अरे मैं बॉस का अंदर वेट कर रहा था, बॉस बाहर आ गए। बाहर? बाहर कहाँ? हाँ हमारे बॉस यही तो है। ये तुम्हारे बॉस है? अरे हाँ मम्मी जी ये हमारी बॉस हैं। इनकी इस कंपनी के साथ साथ ऐसी 10 कंपनियां और भी हैं। क्या सच में तुम्हारे बॉस हैं? अरे मम्मी जी कैसी बात कर रही हो, इनको कौन नहीं जानता, अभी अभी इन्होंने सोसाइटी में ऐसे 5 घर और खरीदे हैं। वो बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हो, बॉस तो बहुत अच्छे हैं। अरे मांगने दो माफी, तुम्हारी मम्मी ने काम ही ऐसा करा है। पूर्वी प्लीज हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बेटा वो ना तुम गलत समझ रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, वो मजाक मजाक में थोड़ा सा बस ज्यादा मजाक कर दिया। मुझे तो तुम पर हमेशा से विश्वास था, तुम्हें बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनोगी, और आज देखो कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई हो तुम, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। लेकिन देखो ये भी तो मेरा ही कमाल है ना, वो क्या है ना मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे कहीं ना कहीं सेट जरूर हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं। हाँ बिल्कुल आपकी वजह से ही तो है। हाँ बेटा और देखो ना मैं अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती हूँ, और मेरे बच्चों का वैसे भी पढ़ाए हुए का हमेशा ही भला हुआ है। हाँ बिल्कुल आपकी वजह से तो है, नहीं समझे? चलो मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना आपने स्कूल में तो कभी ढंग से पढ़ाया नहीं, बस अपने महंगे ट्यूशन में आने के लिए सबको फोर्स करती रहती थी, और मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो मैं दिन रात मेहनत कर करके मैंने ना ये कंपनी खड़ी करी अपने माँ बाप के आशीर्वाद से,
और आज जब मैं आपसे मिली ना, मुझे लगा कि आप बदल गई होगी, लेकिन नहीं, आप तो वही की वही हो, एकदम लालची। आपने कभी सोचा है कि आपके लालची होने का असर बच्चों पे क्या पड़ेगा? अरे आप एक टीचर है, इतना तो ख्याल कर लिया होता। बेटा वो मैम मुझे पता है, अभी ना आप कुछ नहीं बोल पाओगी, क्योंकि आपको पता है कि आप ना गलत हो। आपने ना कभी भी बच्चों को बच्चे नहीं समझा, एटीएम समझा है एटीएम। और आप बस अपने ही बच्चे, अपने ही जान पहचान के लोगों को आगे बढ़ाती आई है, और जो बच्चे ना सच में टैलेंटेड थे ना, उनको आपने कभी सही रास्ता नहीं दिखाया। आपकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। बेटा आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। सॉरी मैम, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अरे गलती तो आप तब करोगे ना जब मैं आपको मौका दूंगी। अरे जो आपने पहले गलतियां करी है उसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए ना। सजा? क्या सजा? हाँ सजा, आप दोनों माँ बेटी को ना इस पूरी की पूरी सोसाइटी की ना 1 महीने तक सफाई करनी पड़ेगी। क्या हुआ, आप तो मुझसे सफाई करवाने वाले थे ना, अब खुद करोगे? और हाँ एक बात और, जो भी गरीब बच्चों के आपने पैसे खाए ना, वो आपको चुकाने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर दूंगी, फिर आप सड़ते रहना जेल में। आप तो कुछ बोलो, समझाओ ना अपनी मैम को। हाँ दमाजी, आप अपनी मैम को कुछ समझाइए ना। अरे मम्मी जी मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बॉस से कुछ बोलूंगा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जी मैम, हम कल से साफ सफाई कर लेंगे। अरे कल से नहीं, अभी और इसी वक्त से निकलो।